हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है 13 अक्टूबर। तो आज सोचा मैंने ब्लॉग बना लेता हूँ। तो अभी चलो, आज का मौसम कुछ ऐसा है। तो चलते हैं फील्ड की ओर क्रिकेट खेलने के लिए। ये हमारा अपने हाल। तो चल पड़े हम फील्ड की ओर क्रिकेट खेलने के लिए। और यहाँ से ऊपर शॉर्ट का रास्ता। तो गाइस, यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। और आपको उस साइड दिखाऊंगा तो उस साइड तो बारिश आने वाली है। पूरा काला हो चुका है उधर। आपको दिखाता हूँ आगे का मौसम। और हो चुका है समाप्त क्रिकेट मैच। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। ये चौथान, इधर तो बारिश हो रही, पूरी बिजली भी चमक रही है। मौसम कुछ इधर ऐसा है। नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगी। होल पे ध्यान दे, होल पे एग्जिट कर दे। नोटिस आ गया भाई। 3 मिनट बारिश तो बता नहीं रखे थे यार। कैसे होगी बारिश भाई? इधर तो नहीं हो रही, पर इधर का मौसम बहुत खतरनाक हो रखा है। शायद बारिश हो रही उधर को। और चल पड़े हम घर की ओर। यहाँ से नीचे को ये है पुराने घर। इधर वाला हमारा पुराना घर, जहाँ पर कि हमारा पुराना दुकान था। अब इसमें आजकल रह रहे हैं लेबर लोग। तो थोड़ी बहुत बारिश होने लगी है। हैंडपम्प बची तो ये हमारे किशोर भाई जो हमारे पहले खींचे हो ना फोटो। तुम बाबा चांद देखना। चांद तो आज आने, क्योंकि आज करवा चौथ है तो चांद नहीं आएगा शायद, क्योंकि बादल लग चुके हैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके घर। और ये मेरे टिप्पल, बारिश हो रही है बाहर, बताया नहीं था पर बारिश हो रही है। और ये मेरी दादी तंबाकू पी रही है। मेरी दादी तंबाकू। मेरी मम्मी भी आ चुकी है दूध लेके गौशाला से। ये रहा दूध की बाल्टी। और आज करवा चौथ है और बारिश भी हो चुकी है। तो आज बनाएंगे हम छोले। और ये मैं टमाटर काट रहा हूँ छोले के लिए। हमारे छोले कुछ काले कुछ कावले से नए। इसमें भूनने के लिए प्याज टमाटर रखेंगे। तो फाइनली गए, चांद भी आ चुका है और मौसम साफ हो चुका है। और मम्मी लोग भाभी लोग सारे तैयार हो रहे हैं। और ये भाई और भाभी बहुत अंशी भवन जी जय मान जी मांग तुम्हारा। अरे तो मेरी माता श्री और पिता श्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर चांद को देखने के लिए। वो कर चला ना थोड़ा।
यह छुरी अरे हलवा और खाना शुरू हो चुका हमारा। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।